सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बौद्ध दर्शन के प्रमुख शाखा विज्ञानवाद योगाचार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में आईएएस फिलॉसफी के सिलेबस में एक प्रमुख दार्शनिक शाखा है बौद्ध दर्शन की, विज्ञानवाद योगाचार। जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी फिलॉसफी से कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और विज्ञानवाद योगाचार अपने विशिष्ट तथ्यों के कारण और विशिष्ट दार्शनिक व्याख्या के कारण अपना एक अलग पहचान बनाता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है कि बच्चे विज्ञानवाद योगाचार का मूल अर्थ नहीं समझ पाते हैं। यही नहीं, आम जनसंख्या जो ये जानती है कि बौद्ध दर्शन की एक शाखा है, तो विज्ञानवाद योगाचार का मतलब ही नहीं समझ पाती है। और बहुत सारे ऐसे तो लोग भी जो विज्ञान का मतलब वो साइंस भी समझ सकते हैं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत हम लोग विज्ञानवाद योगाचार का मूलभूत अर्थ समझेंगे और यहां विश्लेषण भी किया जाएगा और इतने सरल शब्दों में इसको समझा जाएगा कि अगर कोई भी यूपीएससी का विद्यार्थी तो इसको बहुत अच्छे से समझेगा और एग्जाम में लिख लेगा। जो व्यक्ति दर्शन में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी यह लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा, चाहे वो किसी बैकग्राउंड के हो। विज्ञानवाद योगाचार बौद्ध दर्शन की एक शाखा है। अब प्रश्न यह उठता है कि बौद्ध दर्शन कितने शाखाओं में बटा और वो किस शाखा से संबंधित विज्ञानवाद योगाचार है। देखिए, बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी उसी संगीति में सर्वास्तिवाद और महासंघिका नामक दो विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई और वहीं बौद्ध दर्शन की ये दो विचारधाराओं में विवाद पैदा हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन धर्म की जो दूसरी संगीति थी उसी में दो विचारधाराओं सर्वास्तिवाद और महासंघिका के बीच विवाद पैदा हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में यह जाकर दो विचारधाराओं में, दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान की भी आगे चल के दो शाखा विभाजित हो गई, कौन कौन? वैभाषिक और स्वतांत्रिक। महायान भी दो भागों में बट गया, एक माध्यमिक शून्यवाद, दूसरा विज्ञानवाद योगाचार। माध्यमिक शून्यवाद मैंने बता दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म की या बौद्ध दर्शन की महायान शाखा का जो एक भाग है, संप्रदाय है, विज्ञानवाद योगाचार, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब प्रश्न ये उठता है कि विज्ञानवाद योगाचार का मतलब क्या है। देखिए, विज्ञानवाद इस दर्शन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह दर्शन एकमात्र विज्ञान की ही सत्ता मानता है, बाह्य पदार्थों की सत्ता को इनकार करता है, नकारता है, उनके अस्तित्व को ही नहीं मानता है। यानी केवल और केवल एकमात्र विज्ञान की सत्ता को मानने के कारण ही यह दर्शन विज्ञानवाद कहलाया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता कि भाई विज्ञान का मतलब है क्या? क्या यहां विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान है? क्या यहां विज्ञान का मतलब साइंस है? क्या यहां विज्ञान का मतलब कुछ और अर्थ है? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये, सबसे बड़ा उत्तर यह है कि यहां विज्ञान का मतलब साइंस से या विशिष्ट ज्ञान से नहीं है। अब प्रश्न उठता कि यहां विज्ञान का मतलब क्या है? यह एक दर्शन शास्त्र का एक शाखा है और यहां विज्ञान का मतलब दार्शनिक ही होगा। मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि दर्शन शास्त्र उन आम लोगों की तरह नहीं सोचता है जैसे आम आदमी सोचता है।
एक दार्शनिक, एक फिलासफर आम आदमी से अलग हटकर सोचता है, और इसीलिए यहां विज्ञान का अर्थ ही अलग है। विज्ञानवाद योगाचार में विज्ञान का मतलब है चेतना या विचार, यानी भारतीय दर्शन में जिसको चेतना कहा गया है, भारतीय दर्शन में जिसको विचार कहा गया है, भारतीय दर्शन में जिनको अनुभूतियां कहा गया है, जिनको प्रत्यय कहा गया है, विज्ञानवाद योगाचार उसी चेतना को, उसी चेतना के तत्व को, उसी विचार को, उसी अनुभूति को, उसी प्रत्यय को क्या कह रहा है? विज्ञान कह रहा है। यानी विज्ञान का मतलब है चेतना, विज्ञान का मतलब है प्रत्यय। अब आपके मन में भी आ रहा होगा, चेतना क्या है, प्रत्यय क्या है? देखिए, दर्शन शास्त्र इसलिए कठिन नहीं होता है कि उसके शब्द कठिन है या उसके विचार कठिन है। दर्शन शास्त्र इसलिए कठिन हो जाता है कि जो शब्दावलियां हैं उसका सही अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य दर्शन शास्त्र यहां पढ़ाने का मूल यही है कि दर्शन शास्त्र के एक एक बिंदु को पूर्ण रूप से मैं व्याख्यायित कर दूं, मतलब एक सरल भाषा में। मैं आपको बहुत दार्शनिक भाषा है कठिन बताऊंगा भी नहीं, हालांकि मैं बोल सकता हूं, 20 साल मैंने उसी की तैयारी दर्शन से ही की है, लेकिन यूपीएससी की, लेकिन मैं सरल शब्दों में ही बताने का प्रयत्न यहां कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताएं, बिल्कुल दर्शन की शब्दावली बिल्कुल सरल हो, ठीक है ना। तो यहां आप प्रश्न उठता कि भाई आप कह रहे विज्ञान का मतलब चेतना, विज्ञान का मतलब अनुभूतियां, विज्ञान का मतलब प्रत्यय। अब आपके मन में यह भी उठ रहा कि भाई चेतना का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग इसको चेतना मतलब कॉन्शियसनेस बोल देंगे, भैया कॉन्शियसनेस चेतना, चेतना इज कॉन्शियस। लेकिन भाई चेतना का मतलब क्या है? यह हमारे हाथ में एक मार्कर है। मैं कहूं अपने मन से कि यार ये मार्कर का जो विचार है वो बड़ा अच्छा है, तो आप तुरंत कहेंगे भाई मार्कर का विचार कैसे हो सकता है? अब मैं कहूं जो फला आदमी मोहन है उसका विचार बहुत अच्छा है या उसका विचार बहुत खराब है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है आचार विचार अच्छा। आपने ये कैसे बोला कि उसका विचार अच्छा या बुरा है? आपने इसलिए उसको अच्छा या बुरा कहा क्योंकि उसके अंदर विचार करने की शक्ति, उसके अंदर अनुभव करने की शक्ति है, उसके अंदर अनुभूतियां हैं, और यही विचार करने की शक्ति, किसी चीज के अनुभव करने की शक्ति ही चेतना है, कॉन्शियसनेस। इसके अंदर अनुभव करने की शक्ति नहीं है मार्कर के अंदर, इस मार्कर के अंदर विचारण की शक्ति नहीं है, इस मार्कर के अंदर अनुभव करने की शक्ति नहीं है, इसको आप लोग अचेतन बोलते हैं। जैसे ये शरीर जड़ है, अचेतन है, लेकिन शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है वह चैतन्य है, वह चेतना से युक्त है, और वास्तव में चेतना का आधार ही आत्मा है। भारतीय दर्शन में जिसको चेतना कहा गया है उसी को विज्ञानवाद योगाचार ने क्या कहा है? विज्ञान कहा है। यानी जो चेतना के तत्व हैं, जो विचार के तत्व हैं, या जो मन के तत्व हैं, या मन के प्रत्यय माने विचार, उसी को उन लोगों ने सत्य माना है। यानी हमारे मन में अगर ताजमहल की आकृति है वही सत्य है, जो सामने है वो सही नहीं है। अगर हमारे मन में एक गाय की आकृति बन रही है, एक गाय का विचार आ रहा है, एक गाय का अनुभव है, जैसे आप मन में ऐसे आग बनकर सोचिए एक गाय के बारे में, सफेद गाय के बारे में, लाल गाय के बारे में, अब आपके मन में लाल गाय है, सफेद गाय है, तो वो चेतना का तत्व है, वह मानसिक तत्व है, और वही प्रत्यय है, वही विचार है, और इस दर्शन के संबंध में संदर्भ में वही विज्ञान है। जो चेतना का तत्व है, जो विचार का तत्व है, जो अनुभव के तत्व है, जो अनुभूतियों के तत्व हैं, जो प्रत्यय के तत्व हैं, उसी को इसने विज्ञान कहा है।
अब इतना ज्यादा वोकैबुलरी मैंने आपको बता दिया, आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा मेरे मन में, जो प्रतिबिंब बन रहा मेरे मन में किसी चीज की सोचने पे, किसी चीज के बारे में विचार करने पे, वही विज्ञान है। तो विज्ञान की एकमात्र सत्ता मानने के कारण, यानी मन के अंदर जो तत्व है उस मन के बाहर वाला तत्व नहीं, यही तो विज्ञानवाद की अच्छाई है। यह तो विज्ञानवाद का मूल दर्शन है कि उसने मन के तत्व को, विचार के तत्व को, मन के अंदर जो है उसी को सत्य माना है। जो मन के बाहर वाह्य पदार्थ है, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, इसको यह सत्य नहीं मानता है। हमारे मन के अंदर जो मार्कर का प्रतिबिंब है उसी को सत्य मानता है, जो मार्कर का प्रत्यय है उसी को सत्य मानता है, जो मार्कर का अनुभव उसी को सत्य मानता है। वो ये नहीं कह रहा कि मार्कर बाहर है। विज्ञानवाद कहता है कि मार्कर हमारे मन में है, और वही मन में जो मार्कर है वही विज्ञान है। मन में जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मन में जो इसका प्रत्यय बन रहा है, मन में इसका जो चेतना बन रहा है, मन में जो इसका विचार बन रहा है, वही विज्ञान है और वही सत्य है। वाह्य पदार्थ जो भी दिख रहा है, घर, जमीन, जायदाद, मेज, कुर्सी, मार्कर, जो भी आप भौतिक वस्तु देख रहे हैं, जड़ वस्तु देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है। वो मन के अंदर जो है वो सत्य है, और यानी कि ये मन के तत्व जो है, मानसिक तत्व जो है, उसी को ये सत्य मानते हैं। मन के बाहर यानी बाहरिक जो वाह्य जो भी पदार्थ है, वाह्य पदार्थ जनरली मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, उसको इन्होंने असत्य माना है। ठीक है ना? तो केवल मन विज्ञान या चेतना के तत्व को सत्य मानने के कारण और एकमात्र उसी की सत्ता को स्वीकार करने के कारण यह सिद्धांत विज्ञानवाद का है। अब प्रश्न यह उठता है कि तो ठीक है भाई कि केवल मन की तत्व कहीं उन्होंने माना है जिसको विज्ञान कहते हैं, तो केवल विज्ञान की सत्ता को मानने के कारण, एकमात्र विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करने के कारण यह विज्ञानवाद कहलाया। अब योगाचार क्यों कहलाया? क्योंकि विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के लिए ये योग का आचरण करते थे। योग, साधना, ध्यान, आचरण, नैतिक आचरण, यानी योग के आचरण के माध्यम से विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के कारण यह योगाचार कहलाया। ठीक है ना? यानी विज्ञान को सिद्ध करना है, लेकिन किसके आधार पर, किसके किस माध्यम से? योग के माध्यम से। योग माने साधना, ध्यान, समाधि। किसकी सत्ता सिद्ध करेंगे? विज्ञान की। आचरण योग का होगा, नैतिक आचरण होगा। तो योग के आचरण के माध्यम से, योगा अभ्यास के माध्यम से विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के कारण यह सिद्धांत क्या कहलाया? योगाचार कहलाया। अब मुझे पूरा यह विश्वास है कि आप आज विज्ञानवाद और योगाचार का समझ गए। ठीक है ना? विज्ञानवाद इसलिए क्योंकि यह सिद्धांत, यह शाखा केवल विज्ञान के या प्रत्यय के या चेतना के सत्ता को स्वीकार करती है एकमात्र, इसीलिए वह विज्ञानवाद कहलाया। विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, चूंकि यह सिद्धांत योग का आचरण कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाया? योगाचार कहलाया। अब विज्ञानवादियों ने, चूंकि उनको अपने आंतरिक तत्व को या मन के तत्व को या विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करना था, यही कारण है कि उन्होंने जो वाह्य पदार्थ, भाई आप जो भी इस समय देख रहे हैं वो समस्त भौतिक वस्तु है। सामान्य मनुष्य यही सोचता है कि हमारे मन में कुछ हो ना हो, अगर मान लीजिए हम मुंबई नहीं गए हैं या हम अमेरिका नहीं गए हैं, तो अमेरिका में कोई वस्तु है, हम इनकार नहीं कर सकते। अगर फ्रांस में एफिल टावर है तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां नहीं है। अगर मेरे, चूंकि मैंने देखा ही नहीं उसको है, तो मेरे अंदर कोई चेतना ही नहीं है, तो अगर मेरे मन में चेतना ही, तो क्या हो सकता है? सामान्य मनुष्य यही सोचता है कि मेरे मन में कुछ हो ना हो,
लेकिन वस्तुओं की सत्ता हमारे मन से स्वतंत्र है, वो है, चाहे हम उसके बारे में सोच रहे हो, चाहे हमारे बारे में उसकी अनुभूति हो, चाहे ना हो। विज्ञानवादी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो बाहर है वो असत है, उसकी सत्ता ही नहीं है, सत्ता केवल उसी की जो मेरे मन में, यानी हमारे चेतना के जो पदार्थ है, यानी जो हमारे चेतना में है, जो हमारे मन में है, केवल वही सत्य है और वही विज्ञान है, और विज्ञान ही विज्ञानवाद के मानने के कारण विज्ञानवाद कराया। अब अगर आपने केवल मानसिक तत्वों को सत्य माना है, अगर आपने केवल अनुभूतियों को सत्य माना है, तो आपको वाह्य पदार्थों का खंडन करना पड़ेगा। जब वाह्य पदार्थों का अस्तित्व तो खंडित तो होगा, तभी तो आपका मानसिक पदार्थ जो है, मन के जो तत्व हो, वही सत्य सिद्ध होंगे। नहीं तो आम आदमी यही मानता है कि बाहर गाय है, तभी गाय की अनुभूति मेरे मन में है, तभी गाय का विज्ञान मेरे मन में है, तभी गाय की चेतना हमारे मन में है, तभी गाय का प्रत्यय हमारे मन में है। विज्ञानवादी कहते नहीं नहीं गाय का प्रत्यय पहले मेरे मन में है, गाय का विज्ञान पहले मेरे मन में है, बाद में उसकी सत्ता बाहर है, या उसकी सत्ता है ही नहीं बाहर, गाय केवल हमारे मन में है, बाहर उसकी सत्ता नहीं है। यही तो हमको दिखाना है, यानी बाहर जो गाय है उसकी सत्ता को पहले खंडित करेंगे, तभी तो मन में आएगा। बाहर अगर टेबल के कुर्सी मेज है, उसकी सत्ता को खत्म करेंगे, तभी तो माना जाएगा उसकी सत्ता केवल मन में है। यही कारण है कि विज्ञानवादियों ने अपने विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के लिए वाह्य पदार्थों के सत्ता को, वाह्य पदार्थों के अस्तित्व को खंडित किया, और उसको खंडन में उन्होंने तर्क दिया। यानी विज्ञानवादियों ने अपने विज्ञानवाद की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, अपने विज्ञानवाद के सिद्धि के लिए वाह्य पदार्थों का खंडन किया है, और वाह्य पदार्थों को खंडित करने के लिए उन्होंने कुछ तर्क दिया। आइए उन्हीं तर्कों को देखा जाए, और जब वो तर्क खंडित हो जाएंगे तो विज्ञानवाद अपने आप सिद्ध हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि दर्शन साथ ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के कारण जो भी विचार परक लोग हैं, जो भी दार्शनिक सोच वाले लोग हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है दर्शन शास्त्र जैसे विषय में। विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जो थिंकर हैं, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और जो आईएएस की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये गणित की तरह नंबर देता है। इसीलिए अगर आपने इसको सही से लिख दिया तो नंबर कटेगा ही, ठीक है। इसीलिए मैं यूपीएससी की तैयारी में ये सरल हो जाए, इसीलिए बहुत विस्तार से, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में बस एक बार समझ के डायरेक्ट लिख दीजिए। कोई ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसको रटे, रटने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सुन के डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं। तो विज्ञानवादियों ने विज्ञान की सत्ता को सिद्ध करने के लिए वाह्य पदार्थों का खंडन किया है, और उस खंडन के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। सबसे पहला तर्क है स्वप्न पर आधारित, स्वप्न के सादृश्य पर आधारित तर्क। इसको सरल भाषा में आप कह सकते हैं स्वप्न पर आधारित तर्क। अब विज्ञानवादी ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई सत्ता वस्तुओं की बाहर है, ठीक है, लेकिन जब हम कोई स्वप्न देखते हैं, तो जब स्वप्न में हम देखते हैं कि हम दिल्ली गए हैं, वहां हमने लाल किला देखा, हम आगरा गए हैं, स्वप्न में मैं देख रहा हूं, मैं सोया हूं रात में और स्वप्न देख रहा हूं, और मैं अब स्वप्न के आधार पर देख रहा हूं कि वस्तुएं तो ताजमहल है, तो वहां पे लाल किला है, तो वहां हम चित्तौड़ के किले पे पहुंच गए, तो बड़े विभिन्न स्थानों पे चले गए, जंगल पे चले गए, पर्वत पे चले गए, और जैसे ही हमारा सुबह नींद टूटा सारी वस्तुएं गायब हो गई। जब हम स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न में सारी वस्तुएं हमें साकार लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा नींद टूटा, जैसे ही हमारा निद्रा भंग हुआ, सारी वस्तुएं
क्या हो गई, गलत साबित हो गई, असत्य साबित हो गई, उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। विज्ञानवादी यही कह रहे हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में हम वस्तुओं को बाहर मानते हैं, भाई हम ताजमहल देख रहे हैं, हम लाल किला देख रहे हैं मन में, तो ऐसा थोड़ा भी माने कि हमारे मन में बाहर नहीं दिख रहा है। तो जिस प्रकार स्वप्न के अवस्था में हमें वस्तुएं बाहर दिखाई देती हैं, हालांकि वो हमारे मन में है, सपने में तो हमें लग रहा बाहर है लेकिन असल में वो कहां है, मन में है, उसी प्रकार हम जागृत अवस्था में जिन वस्तुओं को बाहर समझ रहे हैं असल में वो हमारे मन के अंदर ही है, मन से स्वतंत्र उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सारी वस्तुएं मन के ही तत्व हैं, हमारे मानसिक विचार ही हैं, हमारी अनुभूतियां ही हैं, हमारी चेतना के तत्व ही हैं, उनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में हमें वस्तुएं बाहर लगती हैं लेकिन असल में वो हमारे मन में ही होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जो वस्तुएं बाहर लग रही हैं वो बाहर नहीं है, वो मन में ही है, वो मन के ही तत्व है, मन के बाहर नहीं है। यानी स्वप्न के आधार पर वस्तुएं अगर मानसिक तत्व हैं तो जागृत अवस्था में भी वस्तुएं बाहर नहीं है बल्कि वो हमारे मन में ही। ये पहला तर्क है, इसको आप कह सकते हैं स्वप्न पर आधारित तर्क। यानी स्वप्न के आधार पर विज्ञानवादी यही सिद्ध कर रहे हैं कि स्वप्न में जिन चीजों को हम बाहर समझते हैं लेकिन हमारे मन में होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वस्तुएं बाहर नहीं है, वो हमारे मन में ही है, हमारी चेतना के तत्व हैं। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है कि यदि कोई वाह्य वस्तु है तो भी उसका ज्ञान संभव नहीं है, तो भी उसका ज्ञान संभव नहीं है। अब यह कैसे होगा, अपना दूसरा तर्क वो दे रहे, एक तो स्वप्न पे आधारित तर्क उन्होंने बिल्कुल मिथ्या कर दिया वाह्य वस्तुओं को। वो कह रहे हैं मान लीजिए कि यदि कोई वस्तु बाहर है, अगर कोई वाह्य वस्तु है तो भी उसका ज्ञान संभव नहीं है। अब ये जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, इसी को उदाहरण में ले रहा हूं, ठीक है, मेरे हाथ में भाई यही चीज आपके सामने दिख रहा है तो मैं इसी को ले रहा हूं, इससे सरल क्या हो सकता समझाना, उसी को मैं उनके तर्क को ही इस पे आधार बनाऊंगा, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई वाह्य वस्तु है तो भी उसका ज्ञान संभव नहीं, क्यों, क्योंकि अगर कोई वाह्य वस्तु है तो या तो वो एक अणु है या एक परमाणु है या बहुत सारे परमाणुओं का संघात है, संघात माने समूह है या कलेक्शन है, जाहिर सी बात है इस मार्कर में बहुत सारे परमाणु है। अब अगर कोई वाह्य वस्तु है तो या तो वो एक अणु है या परमाणु है और या बहुत सारे परमाणुओं का समूह या संघात है। अब विज्ञानवादी कहते हैं कि यदि वो एक अणु है तो एक अणु को तो हम देख ही नहीं पाएंगे, एक अणु को हम नहीं देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अणु या परमाणु बहुत छोटे होते हैं, सामान्य नंगी आंखों से उसको देख पाना संभव नहीं। यानी अगर कोई वस्तु एक अणु है तो उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। अब विज्ञानवादी कहते हैं कि यदि वह वस्तु अणुओं का संघात है या बहुत सारे अणुओं का समूह है तो भी उसका ज्ञान संभव नहीं है, तो भी उसका प्रत्यक्ष ही संभव नहीं, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। अब यह कैसे होगा कि अगर कोई वस्तु, जैसे हम ये मान लें कि सामान ये मार्कर हमारे सामने है, ये बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं का संघात है, बहुत सारे परमाणुओं का संघात है तो हम इसको देख रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई यहां मार्कर है या हमारे हाथ में एक मार्कर है। विज्ञानवादी कह रहे नहीं, ये बात ही नहीं है, अगर ये बहुत सारे परमाणुओं का संघात है तो हम इसका प्रत्यक्ष ही नहीं कर पाएंगे। विज्ञानवादी कहते हैं कि भाई सामान्य आदमी पूछेगा भाई कैसे, अगर वो परमाणुओं का संघात है तो तुम देख ही लेंगे। विज्ञानवादी कहते हैं नहीं देख पाएंगे। कैसे नहीं देख पाएंगे, मान लीजिए इस मार्कर को मैंने ऐसे रखा है, ठीक, विज्ञानवादी कह रहे हैं कि अगर आप मार्कर को एक ओर से देख रहे हैं तो मार्कर का केवल वही भाग प्रत्यक्ष होगा जो आपके सामने, इधर वाला हमको भाग नहीं दिख रहा है, ठीक।
अब अगर हम इधर वाला भाग देख रहे हैं तो इधर भाग वाला प्रचलित नहीं होगा। अब अगर हम ऐसे मार्कर को रहे केवल इधर वाला भाग दिख रहा है, इधर वाला नहीं भाग दिख रहा है। इसी प्रकार वो कहते हैं अगर हम किसी मेज को जो बहुत सारे परमाणुओं का संघात है तो हम मेज को जिस ओर से देखेंगे मेज का केवल वही भाग दिखाई देगा, दूसरा भाग नहीं दिखाई देगा। अब यहां सामान्य व्यक्ति यह कह सकता है कि जैसे ही हम मेज का एक तरफ का भाग देखते हैं हम पूरे मार्क पूरे मेज की कल्पना कर लेते हैं, जैसे हम मार्कर का एक भाग देखें हम पूरे मार्कर की कल्पना कर लेते हैं। विज्ञानवादी कहते हैं यही तो सही है कि जैसे ही हमने मार्कर का एक भाग देखा हमारे मन में एक कल्पना बन गया कि यह संपूर्ण मार्कर है, जबकि मैंने पूरा प्रत्यक्ष नहीं किया, मार्कर के केवल एक भाग देखकर ही पूरे भाग की मैंने कल्पना कर लिया। विज्ञानवादी कहते हैं बिल्कुल यही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल यही बात है कि मन से स्वतंत्र हम सोच ही नहीं पाएंगे, यानी एक ही भाग को देखकर हम उसके अन्य भागों की मानसिक कल्पना कर लेते हैं, यानी हम चेतना में उसके बाकी भागों का क्या कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं, यानी मन से ही उस वस्तु का निर्माण होता है, मन से अलग किसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे वस्तु को तो हम देख ही नहीं पाए, केवल एक वस्तु तरफ वस्तु को देखकर हमने पूरे वस्तु की कल्पना कर ली, यानी वहां कल्पना में कौन आया, मन ही तो आया, चेतना ही तो आया, अनुभूति ही तो आया। अगर मान लीजिए आप पूरा ना देख पावे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ये क्या है, लेकिन अगर आप एक तरफ से देखकर पूरे भाग की कल्पना कर रहे हैं तो बाकी भागों का रचना वस्तु नहीं कर रहा, बाकी भागों का रचना आपका मन कर रहा है, आपका चेतना कर रहा है, यानी उस वस्तु का निर्माण मन से हो रहा है, चेतना से हो रहा है। यही विज्ञानवादी कह रहे हैं कि मन से स्वतंत्र किसी वस्तु का पूर्ण अस्तित्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वस्तु को केवल एक ही तरफ हम देखकर पूरे वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं, यानी मन ही पूरे वस्तु का निर्माण करता है, चेतना ही पूरे वस्तु का निर्माण करता है, असल में पूरे वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, यानी समस्त वस्तु जो है वो प्रत्यक्ष में उनका अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व मन के कारण है, उनका अस्तित्व चेतना के कारण है, उनका अस्तित्व मन के तत्व के रूप में है, यानी वे विज्ञान हैं, यानी मन के अगर वो तत्व हैं तो वो क्या हो गए, विज्ञान हैं। कोई बाह्य वस्तु या बाह्य पदार्थ नहीं है, मन से स्वतंत्र हम किसी वस्तु के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो मन के तत्वों से ही होता है, विज्ञान से ही होता है, इसलिए विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। सोचिए इतना बड़ा बड़ा तर्क ये दे रहे हैं, और ये बात तो वास्तव में सत्य भी है। आप अगर देखें, हम ये नहीं कह रहे कि वह पदार्थ असत्य है, लेकिन आप देखिए किसी वस्तु को हम पूरा अगर देखना चाहे तो कभी देख नहीं सकते, कभी नहीं देख सकते, केवल उस वस्तु के कुछ भाग को देखकर हम पूरे भाग का अनुमान लगा लेते, यानी बाकी भागों का निर्माण हम मन में तो कर ही ले रहे, नहीं कर ले रहे। यही विज्ञानवादी कह रहे हैं कि मन के कारण ही बाकी भागों का निर्माण कर रहे, पूरा तो हम देख ही नहीं पा रहे, तो जब बाकी भागों का निर्माण मन कर रहा है इस बार मन के ही तत्व सत्य है ना, यानी विज्ञान ही सत्य है। यह दूसरा तर्क है मन से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व। तीसरा जो तर्क है बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एक बार अगर आप समझ लेंगे इसको ना तो आपको यूपीएससी में लिखने के लिए बहुत रटना ही नहीं, एक बार ये कॉन्सेप्ट जैसा मैं समझा रहा हूं उसको आप मन में बना लीजिए, ठीक, मन में संरचना उसकी बना लीजिए और एग्जाम में बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए, 200 शब्द लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्षणिकवाद पर आधारित तर्क, क्षणिकवाद पर आधारित तर्क, विज्ञानवादी कहते हैं कि क्षणिकवाद पर आधारित तर्क के कारण भी वाह्य वस्तु का अस्तित्व नहीं संभव है। कैसे? क्षणिकवाद का सिद्धांत यह कह सकता है, कहता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र ही रहता है, यानी कोई वस्तु जैसे पैदा है तुरंत नष्ट हो गई, तो अगर वह वस्तु पैदा होते ही नष्ट हो गई
क्षणिकवाद के सिद्धांत के आधार पर। सामान्य तो भाई सिद्धांत नहीं है, सामान्य सिद्धांत तो भी मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व है भाई, परिवर्तनशील है, लेकिन क्षणिक नहीं, हर वस्तु परिवर्तनशील, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, डिके होता जाएगा, मनुष्य का शरीर भी डिके होता चला जाता है, यानी मनुष्य का शरीर परिवर्तनशील है। लेकिन बहुत दार्शनिकों ने परिवर्तनशील न कहकर उसको क्षणिक बना दिया, क्षणिकवाद का सिद्धांत, यानी वस्तुओं का अस्तित्व केवल परिवर्तनशील नहीं है बल्कि वो क्षणिक है, पैदा होते ही वस्तु नष्ट हो जाते हैं। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब क्षणिकवाद के आधार पर वस्तुएं क्षण मात्र ही अस्तित्व रखती हैं, तो जिनका अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है उनका अस्तित्व ही नहीं हो सकता, यानी उनके ज्ञान का तो कोई संभावना ही नहीं पैदा होता है। आज जब उनके ज्ञान का संभावना ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उनकी सत्ता क्षणिक है, पैदा होते ही नष्ट हो जा रही है, क्षणिकवाद का सिद्धांत यही कहता है कोई वस्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है, सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, सब चीज क्षण मात्र है, सब चीज क्षणभंगुर है। अब जब सब चीज क्षण मात्र है, सब चीज क्षणभंगुर है, सर्वम क्षणिकम, तो उसका ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा जिसका तो उसका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार वाय वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं, तो क्षणिकवाद के आधार पर भी वाय वस्तु या वाय पदार्थों के अस्तित्व का खंडन कर देते हैं। तीन तर्क हो गया, चौथा तर्क, चौथा तर्क कहता है धर्म कीर्ति जो इसके एक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने एक सिद्धांत बताया है सहो पलंब का सिद्धांत, सहो पलंब, सहो पलंब नियम पर आधारित तर्क, सहो पलंब नियम पर आधारित तर्क। अब ये सहो पलंब का नियम क्या है, सह सह उपलंब, सहो पलंब का मतलब होता है सह माने एक साथ उपलब्ध होना। धर्म कीर्ति कहते हैं कि सहो पलंब के सिद्धांत के आधार पर ज्ञान और ज्ञान के विषय को अभिन्न माना जा सकता है, यानी ज्ञान और ज्ञान के विषय अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं। अब सहोपलम के नियम के आधार पर यह कैसे हो रहा है जरा इसको समझिए। धर्म कीर्ति कहते हैं कि सहो पलंब का मतलब हुआ एक साथ उपलब्ध होना या एक साथ उपस्थित होना, ठीक है ना, एक साथ अनुभव में आना। किसको एक साथ आना है, ज्ञान और ज्ञान के विषय। धर्म कीर्ति कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो इसका मतलब दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है, और जब दोनों अभिन्न है, जब दोनों अभिन्न है तो ज्ञान जो मन में है वही सत्य है, ज्ञान का विषय सत्य नहीं, ज्ञान का विषय सत्य नहीं है, क्योंकि अनुभव में आने के बाद ही विषय का अनुभव हो रहा है। अगर वो चेतना में नहीं आ रहा है तो उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ज्ञान और ज्ञान का विषय क्या है, जैसे नीले रंग का ज्ञान और नीले रंग की वस्तु। आपके मन में मैं कह दूं भाई नीला शब्द सोचिए तो आप नहीं सोच पाएंगे, लेकिन अगर सामने नीले रंग का कोई कपड़ा आ जाए तो आपके मन में तुरंत नीला कपड़ा बन जाएगा। तो नीले रंग का ज्ञान जो मेरे मन में नीला रंग बन रहा है, और नीले रंग की वस्तु यानी कपड़ा, तो नील वर्ण का वस्तु और नीले रंग का वस्तु यानी नीले रंग का विषय, नील वर्ण विषय और नीले रंग का ज्ञान यानी नीले रंग की चेतना, ठीक है ना। आम आदमी क्या सोचता है कि पहले नीले रंग की कोई वस्तु बाहर दिख रही है तभी हमारे मन में नीले रंग का ज्ञान हो रहा है,
यानी नीले रंग का विषय अलग है, नीले रंग की वस्तु अलग है, नीले रंग का ज्ञान या नीले रंग की चेतना अलग है, यानी विज्ञान अलग है, नीले रंग का ज्ञान यानी विज्ञान, और नीले रंग की वस्तु यानी विषय, विज्ञान और विषय यानी चेतना और चेतना का विषय, दोनों में अंतर है। सामान्य मनुष्य ही सोचता है, लेकिन विज्ञानवादी कहते नहीं नहीं, चेतना और चेतना के विषय में, ज्ञान और ज्ञान के विषय में, वस्तु विज्ञान और विज्ञान के विषय में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हैं, दोनों अभिन्न हैं। क्यों अभिन्न हैं? क्योंकि दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। नीले रंग का ज्ञान और नीले रंग का विषय दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है ना। हमें नीले विषय का ज्ञान तभी हो जब नीले वस्तु को हम तभी अनुभव में आ पाते हैं जब नीले रंग का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिना नीले रंग के ज्ञान हुए बाहर कोई वस्तु नीला दिख रहा हो। हमारे मन में नीला रंग है तभी बाहर कोई वस्तु नीली दिख रही है। हमारे मन में गाय है तभी बाहर गाय दिख रही है। हमारे मन में घर है तभी बाहर घर दिख रहा है। और जब दोनों कॉन्साइड कर जाते तो मान लेते कि भाई ये घर है, ये गाय है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये मार्कर है। हमारे मन में पहले से मार्कर मौजूद है, यानी मार्कर का ज्ञान हमारे मन में पहले है और मार्कर का विषय बाद में दिख रहा है, और दोनों एक साथ उपस्थित होते, मार्कर विषय के रूप में और मार्कर का ज्ञान हमारे मन में, दोनों एक साथ हो रहा है। यानी चेतना और चेतना के तत्व, विज्ञान और विषय, यानी विज्ञान माने नीले रंग का ज्ञान और नीले रंग का विषय, मार्कर का विज्ञान और मार्कर का विषय, दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं। सरल अर्थों में कहा जाए, ज्ञान और ज्ञान के विषय में कोई अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, कोई भिन्नता नहीं होती है, दोनों एक होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। वस्तुवादी जो, अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि ऐसा तर्क दिया क्यों गया। देखिए, ऐसा तर्क इसलिए दिया गया कि जो वस्तुवादी दार्शनिक होते हैं वो ये मानते हैं हमारे मन में कोई चीज हो ना हो, अगर हमने जीवन में ताजमहल या लाल किला नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ताजमहल या लाल किला है ही नहीं। हमारे मन में ताजमहल का भले ज्ञान ना हो, हमारे मन में ताजमहल का भले चेतना ना हो, लेकिन ताजमहल का अस्तित्व है, ताजमहल की स्वतंत्र सत्ता है। इसी को कहते हैं वस्तुवाद। वस्तुवाद यह मानता है कि वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो मन से स्वतंत्र है, चाहे उनका अस्तित्व हो चाहे ना हो। आम आदमी भी यही मानता है, आम आदमी भी यही मानता है कि चाहे हम किसी चीज को जानते हो न जानते हो, चाहे हमारे मन में उसका ज्ञान हो ना हो, वो वस्तु का अस्तित्व है। विज्ञानवादी यही नहीं बताना चाह रहे, वो कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब मन में उसका ज्ञान हो रहा है तभी वो वस्तु दिख रही है। यानी ज्ञान और ज्ञान के विषय में, विज्ञान और विज्ञान के विषय में, चेतना और चेतना के विषय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक साथ आते हैं, और जब वो चेतना में है तभी वो बाहर दिख रहा है, यानी सत्य वही चेतना वाला ही है क्योंकि दोनों एक साथ दिख रहे हैं। अगर हम उसको स्वतंत्र मान ले तो हमको वस्तुवाद को मानना पड़ेगा, वाह्य पदार्थ का अस्तित्व मानना पड़ेगा, और यही वो बताना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर चेतना और चेतना के विषय में, विज्ञान और विज्ञान के विषय में अंतर पैदा हो जाएगा तो वस्तुवाद सिद्ध हो जाएगा और विज्ञानवाद असत्य हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, और दोनों के एक साथ उपस्थित होने के कारण, यानी सहोपलम्ब के नियम के आधार पर, एक साथ उपलब्ध होने के आधार पर, चेतना और चेतना के विषय में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से वस्तुवाद न होकर विज्ञानवाद ही सही है।
क्योंकि जब विषय का ज्ञान होता है तभी विषय सिद्ध होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उनका यह भी मानना है कि चंद्रमा एक है, लेकिन दृष्टि विकार के कारण बहुत लोगों को चंद्रमा, कई ठो चंद्रमा एक साथ दिखते हैं, जो कि एक प्रकार का भ्रम है। यानी अगर विज्ञान और विज्ञान के विषय को हम दो माने, वो उसी प्रकार असत्य है जिस प्रकार एक ही चंद्रमा दृष्टि भ्रम के कारण कई दिखाई देता हो, जो एक प्रकार का भ्रम है। उसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञान के विषय को भी दो मानना एक दृष्टि भ्रम ही है, सत्य नहीं। यानी विभिन्न प्रकार के तर्कों के आधार पर, इन चार तर्कों के आधार पर विज्ञानवादियों ने बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को असिद्ध किया है, बाह्य पदार्थ के अस्तित्व को खंडन किया है और विज्ञानवाद को सिद्ध किया। यह विज्ञानवाद की पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दिया। अब विज्ञानवादी दो प्रकार के विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जरा यह भी समझ लीजिए। विज्ञानवादी जो हैं, हालांकि इतना ही लिख देने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अब थोड़ी सा पूरा बता देना भी ज्यादा जरूरी था। विज्ञानवादी दो प्रकार के विज्ञान की सत्ता स्वीकार करते हैं। पहला प्रवृत्ति विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, और दूसरा है अलय विज्ञान। पहला प्रवृत्ति विज्ञान है और दूसरा है अलय विज्ञान, दो विज्ञान की सत्ता स्वीकार करते हैं। अब प्रवृत्ति विज्ञान क्या है इसको समझिए। प्रवृत्ति विज्ञान जो है वो सात प्रकार का होता है। पहला जैसे चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान। दूसरा रसना विज्ञान, स्रोत विज्ञान, रसना विज्ञान, स्रोत विज्ञान, रसना विज्ञान, रसना विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, काय विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है ना, और विशिष्ट मनोविज्ञान। विशिष्ट मनोविज्ञान चक्षु विज्ञान से आप देखने का काम करते हैं, रसना विज्ञान, स्रोत विज्ञान से आप सुनने का काम करते हैं, माने सुनने का आपको अनुभव होता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान से भाई आप वही है, हो गया क्या कहते हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा वाली बात हो गई, पांच ज्ञान इंद्रियों से जो आप अनुभव लेते हैं वही है विज्ञान हो गया आपके, ठीक है। देखिए बात घुमा फिरा के आदमी वही आ रहा है। देखिए सामान्य मनुष्य वस्तुवाद को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि उनको विज्ञान को सिद्ध करना था भाई, एक मजबूरी थी। अब दर्शन, अब बौद्ध दर्शन जब किसी दिन शुरू से बताऊंगा तब बताऊंगा मजबूरी क्या थी। आज थोड़ी सा रहने दीजिए, आज विषय पे आ जाइए, बाद में समझाएंगे। तो रसना विज्ञान से स्वाद का ज्ञान हो रहा है, चक्षु विज्ञान से देखने का ज्ञान हो रहा है, स्रोत विज्ञान से सुनने का ज्ञान हो रहा है, काय विज्ञान से स्पर्श हो रहा है, धार विज्ञान से स्पर्श हो रहा है, मतलब जो भी है ज्ञान इंद्रियों के अनुसार से वो पांच विज्ञान से हो रहा है। अब मनोविज्ञान से क्या हो रहा है, विचार का काम हो रहा है, और विशिष्ट मनोविज्ञान से उस वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है। ये सातों विज्ञानों से जो प्रवृत्ति विज्ञान का जो उन्होंने सात प्रकार किया है, तो पांच से हमारे मन में वस्तु का ज्ञान होता है, मनोविज्ञान से जो छठा है मनोविज्ञान उससे वस्तु पर विचार किया जाता है, और विशिष्ट मनोविज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष किया जाता है, ये पांचों से। लेकिन इनका समुराइज कहां से होता है, इनका कलेक्शन कहां से होता है। विज्ञानवादी कहते हैं इनका कलेक्शन जो होता है वो अलय विज्ञान से होता है, जो दूसरा विज्ञान है, अलय विज्ञान। अलय विज्ञान से जो छब आपको जो सातों घटक दिख रहे हैं इनका समन्वय होता है, क्या होता है, समन्वय होता है। यानी इन चीज इन सातों को जो कलेक्ट करता है और ज्ञान का रूप देता है वो क्या है, अलय है, अलय विज्ञान है। अब आप जरा बताइए, हमने लाल देखा, पीला देखा, जैसे हम आम देख रहे हैं, आम को जरा समझिएगा, हम आम देख रहे हैं, आम गोल है, फिर उसका कलर देख रहे हैं, फिर उसका स्वाद ले रहे हैं, तो अंत में मस्तिष्क उस पर विचार कर रहा है, और अंततः हम बता दे रहे हैं, कह रही यार ये तो आम है। ये बताने वाला कौन है भैया, यही तो बताने वाला तो आत्मा है, ये बताने वाला कौन है, आत्मा है।
लेकिन विज्ञानवादियों को तो आत्मा सिद्ध करना ही नहीं है। अब जब आत्मा सिद्ध नहीं करना है तो उसका नाम क्या दे दिया, अलय विज्ञान। यानी ये जो सातों प्रकार के जो प्रवृत्त विज्ञान है इनको समुराइज करने का काम कौन करता है, अलय विज्ञान करता है। अलय एक प्रकार का साक्षी या ईश्वर के रूप में है या चित्त के रूप में है जो इन सातों विचारधाराओं को क्या करता है, समुराइज करता है। यह विज्ञानवाद मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया, विज्ञानवाद की पूरी थ्योरी जो है आप कॉन्सेप्ट सही से समझ गए। अब विज्ञानवाद की जो अवधारणा है वो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद से मिलती जुलती है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद जो है वो पाश्चात्य विचारक बर्कले के सिद्धांत पर आधारित है। बर्कले भी एक प्रकार से विज्ञानवादी विचारधारक के रूप में ही माने जाते हैं, जिनको प्रत्ययवादी विचारधारा के समर्थक भी माना जाता है, जिनका प्रमुख सिद्धांत है सत्ता दृश्यता है। यानी कि जो दिखाई दे रहा उसी की सत्ता है, और जो दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता वस्तुवादी नहीं है, वो अनुभूति पर आधारित है। यानी वो संवेद गुण है, रूप रंग आकार असल में कोई मटेरियल नहीं है, वो वास्तव में हमारे मन के ही प्रत्यय है। इसीलिए बर्कले जो है वो प्रत्ययवादी दार्शनिक कहलाते हैं, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज का स्वाद ले रहे हैं तो हमारे मन का प्रत्यय है, अगर किसी चीज को हम लाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे मन का प्रत्यय है, अगर कोई चीज लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा है वो भी हमारे मन का प्रत्यय है। तो मन के प्रत्यय को ही सत्य मानने के कारण जो है बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद जो है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के समर्थक बन गए। उसी प्रकार से विज्ञानवादी भी केवल मन के प्रत्यय या मन के विज्ञान को ही सत्य मानते हैं। एक प्रकार से देखा जाए दोनों का धरातल एक है। यानी देखिए आईएस फिलॉसफी में कंपेरेटिव स्टडीज नंबर बहुत मिलता है, इसलिए आपको विज्ञानवाद की तुलना जो है बर्कले के आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद से करना ही पड़ेगा, दोनों लगभग एक है, ठीक है ना। जैसे वो भी वाद पदार्थों को प्रत्यय मानते हैं, विज्ञानवादी भी वाद पदार्थों को प्रत्यय या विज्ञान ही मानते हैं। लेकिन यह मानना कि दोनों बिल्कुल एक हैं यह पूर्णतः सत्य नहीं है, यह एक प्रकार का बहुत भारी भूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्कले यह मानता है कि जो ज्ञाता है, ज्ञाता माने आत्मा, वो तो सत्य है, लेकिन जो ज्ञान का विषय है यानी वाह्य पदार्थ वो असत्य है। वो क्या है? वो असत्य है। यानी ज्ञाता तो सत्य है, ज्ञाता माने नोअर जो आत्मा है, लेकिन जो ज्ञेय है, ज्ञेय यानी ज्ञान का वस्तु, वो असत्य है यानी वाह्य पदार्थ। लेकिन विज्ञानवादियों की खूबी यह है कि उन्होंने ज्ञेय यानी वाह्य पदार्थ को तो असत्य माना है, साथ में ज्ञाता को भी असत्य माना है। यानी जहां बर्कले के आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद में ज्ञाता तो सत्य है लेकिन ज्ञेय यानी वाह्य पदार्थ असत्य है, वहीं विज्ञानवाद योगाचार में ज्ञाता और ज्ञेय यानी ज्ञाता माने आत्मा, ज्ञेय माने वाह्य पदार्थ, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान ले रहा है वाह्य पदार्थों का, दोनों असत्य है। क्योंकि बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया, आत्मा परमात्मा ईश्वर दोनों को स्वीकार नहीं किया है। विज्ञानवादी भी ज्ञाता को सत्य मान के बौद्ध दर्शन का सिद्धांत थोड़ा भ्रम खंडित करें। तो सिद्ध हो गया, ये जब आप बताएंगे तो एग्जामिनर पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद सत्ता दृश्यता में जो सत्ता का दृश्य कर रहा है यानी आत्मा, वो सही है ज्ञाता, लेकिन ज्ञेय वाय पदार्थ वो सही नहीं है, वो सत्य है। लेकिन विज्ञानवाद योगाचार में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों असत्य है। इसकी आलोचना कर दीजिए विज्ञानवाद योगाचार। विज्ञानवाद योगाचार की पहली आलोचना यह है कि सामान्य अनुभव में लोक व्यवहार में हमको घटपट आदि बहुत वस्तुओं का हमको स्वतः अनुभव हो रहा है, व्यवहारिक स्तर पर हम उसका अनुभव हो रहा है। हमें प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे, हमें कहीं जाना है तो गाड़ी साइकिल घोड़ा से जाएंगे। व्यवहारिक स्तर पर जिन वस्तुओं का स्वाभाविक अनुभव हो रहा है
उसके अस्तित्व का हम अवलोप नहीं कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं कर सकते हैं। अगर इन चीजों का सहज अनुभव हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मानसिक संघात हैं, मन के ही प्रत्यय हैं, हम ये कहेंगे उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये पहली आलोचना। विज्ञानवादियों की दूसरी जो आलोचना वो ये हो सकती है, हालांकि आलोचना शंकराचार्य बहुत लोगों ने किया, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं, एग्जाम में जो याद रहे वही आप जरूरी है। दूसरी आलोचना ये है कि यदि वाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही ना हो तो ना तो विज्ञान आकार कर सकता है। अगर हमारे मन में मार्कर का, अगर बाहर मार्कर है ना हो तो हम क्या सोचेंगे मार्कर कैसा होता है। अगर बाहर ताजमहल है ना हो तो हम कैसे, पहली बार बच्चा जब गाय को देखा होगा तो क्या उसके मन में गाय था, नहीं था। बाहर गाय चरती हुई दिखी, मां ने कहा देखो बेटा ये गाय है, अब उसके मन में गाय का प्रत्यय बन गया, अब जहां वो उसको देखे कहेगा ये गाय। यानी जब बाहर वस्तु का अस्तित्व होगा तब तो मन के अंदर आएगा, और अगर बाहर है ये नहीं है तो हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि विज्ञान बहिर्वर्त प्रतीत होता है। विज्ञान बहिर्वर्त प्रतीत हो रहा है, यानी बाहर दिख रहा वो हम कही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में जिस चीज का आकार है, अगर बाहर वो है ही नहीं तो हमारे मन में उसका आकार ही नहीं बनेगा, और जब आकार ही नहीं बनेगा तो हम कैसे कह पाएंगे कि ये वही चीज है जो मेरे मन में। अब बताइए हमारे मन में अगर गाय और भैंस में अंतर नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे ये गाय है ये भैंस है, कैसे अंतर पता चलेगा। जब हम पहली बार गाय को देखें और पहली बार भैंस को देखें, दोनों में अंतर समझें, दोनों की चेतना, दोनों का ज्ञान मेरे मन में बने, अब जब मैं कभी गाय और भैंस के देखूंगा तो अलग अलग समझूंगा। अब हम बाहर गए हुए नहीं है तो हमारे मन में गाय का क्या चेतना बनेगा, ज्ञान बनेगा। बाहर भैंस नहीं है तो बाहर हमारे मन में कैसे भैंस का ज्ञान बनेगा। जाहिर सी बात है अगर बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ना हो तो हम कहीं नहीं पाएंगे कि विज्ञान बाहर दिख रहा है, क्योंकि विज्ञान को बाहर दिखने के लिए पहले वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए, वस्तु के अस्तित्व के बाद मन में विज्ञान बनेगा और तब हम विज्ञान के आधार पर कहेंगे कि वह वस्तु वही है जो मेरे मन में। विज्ञान बहिर्वर्त है यह हमारा कहना तभी संभव होगा जब वह वस्तु का अस्तित्व हो, नहीं है तो हम कहीं नहीं पाएंगे। यह दूसरी आलोचना। विज्ञानवाद योगाचार आज मैंने विस्तार से पढ़ा दिया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कुछ बात, जो भी कुछ अगर समस्या होगी कमेंट में आप बताइएगा। मैं कहां तक सफल हूं ये जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में हूं। और यदि आप सभी लोगों को विस्तार से समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे मैं पूरे सीरीज फिलॉसफी का विधिवत आपको बताऊंगा, ताकि यूपीएससी या किसी भी व्यक्ति को जो दर्शन शास्त्र का इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट, तो भाई मेन तो क्लास यूपीएससी के लिए चल रहा है, लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर किसी व्यक्ति को दर्शन में इंटरेस्ट है तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई दार्शनिक संदर्भ नहीं रहेगा जो मुझे पढ़ाना है वो न समझ में आए, मेरी कोशिश बस ये रही। कहां तक सफल आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।